रहमान रहीम। आज वक्त न्यूज कराची के बाहर क्रैकर फेंका गया और साथ ही साथ आज न्यूज के ऊपर भी यही हमला हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा मुज़ाकरात के बारे में अब क्या कहना चाहिए, लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। आजादी सहाफत पर एक और हमला, वक्त न्यूज और आज न्यूज के बाहर क्रैकर्स फेंके गए। 23 एससी एहलकारों की तालिबान के हाथों शहादत, तालिबान के इल्जाम बेबुनियाद, अस्करी जराए की वजाहत। अमन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल हो गया तारीख, क्या ऑपरेशन ही आखिरी हल है। एंड वेलकम टू द 8 पीएम शो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बात हमने करनी है भी और थी भी मुज़ाकरात के ऊपर, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर, मगर अनफॉर्चुनेटली ऑनर जाने से थोड़ी देर पहले ही हमारे वक्त न्यूज़ के कराची ऑफिस के बाहर क्रैकर फेंका गया। कुछ ही दूर एक और हमारे मीडिया साथी हैं आज न्यूज़, उनके ऑफिस के बाहर भी क्रैकर फेंका गया। उधर जो क्रैकर फेंका गया वो फट गया, जिसकी वजह से उनके गार्ड और उनके ड्राइवर जख्मी हैं। उसके ऊपर बड़ा अफसोस हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, और साथ ही साथ हमारे जो चैनल के बाहर फेंका गया क्रैकर उसकी भी शदीद मजम्मत, और उसके ऊपर अपना कंसर्न हम शो करना चाहते हैं, रजिस्टर कराना चाहते हैं। तो यकीनन शुरू में हम इससे बात करेंगे और फिर लेटर जो गुफ्तगु होगी हमारे प्रोग्राम के हिस्से में वो जो अब मुज़ाकरात का स्टेटस है, आपको पता है लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बहुत ख़तरनाक भी हैं, बड़ी परेशान कुन भी हैं। मेरे हाथ में वो लेटर है जो उमर खरस्तानी की तरफ से, जो तहरीक तालिबान मोहम्मद एजेंसी के मरकजी रहनुमा हैं, उनकी तरफ से मेरे हाथ में मौजूद है। और वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने एक तरफ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया है तो दूसरी तरफ हमारे कैदी साथियों को मुसलसल जेल से निकाल कर शहीद कर रही है। 28 जनवरी को मोमेंट एजेंसी की तहसील साफी के इलाके ज़ियारत से ताल्लुक रखने वाले कफायत और उसके साथी गुल रहमान को खुफिया इदारों ने कराची में शहीद किया। उसके बाद 6 फरवरी को खैबर एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले हमारे दो साथियों को जेल में शहीद करने के बाद उनकी लाशें यूनिवर्सिटी टाउन के इलाके में फेंक दी गईं। इसकी डिटेल्स उन्होंने दी हैं सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में वो ये कहते हैं कि इन वाकयात पर हम मुसलसल हुकूमत को मीडिया के तवस्सुत से मुंतबह कर रहे थे कि वो इस तरह की कार्रवाइयों से बाज रहे और हमारे साथियों की शहादत का ये सिलसिला रोक दे, क्योंकि कैदियों की रिहाई का मुतालबा हमारा बुनियादी मुमकिन मुतालबा है। लेकिन हुकूमत गोया मुज़ाकरात से कबल मौका को गनीमत समझ कर हमारे साथियों को मुसलसल शहीद करी थी, लिहाजा उन साथियों के इंतकाम की खातिर हमने आज FC के 23 एहलकारों को शहीद कर दिया, जो कि जून 2010 को हमने एक पोस्ट पर गिरफ्तार कर लिए थे। हम इस मौका पर हुकूमत पर यह वाजह कर देना चाहते हैं कि हम अपने साथियों का इंतकाम लेना जानते हैं, और अगर हुकूमत अपनी इस रविश से बाज ना आई तो मुस्तकबिल में हमारा रद्द अमल इससे भी सख्त हो सकता है। उमर खरस्तानी का सख्त खत, सख्त कदम, तो फिर आगे क्या होगा मुज़ाकरात पर, इस पर बात करेंगे। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके ऊपर पहले बात करेंगे। अपने मेहमानों से तारुफ करवाती हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं रफीक रिजवाना साहब, रहनुमा मुस्लिम यूनियन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। जावेद सदीक साहब, एडिटर नवाए वक्त, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एज वेल। आज़म स्वाती साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। और सबसे पहले चलेंगे मलिक आफ्ताब साहब के पास, हमारे कराची के सीनियर रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब, क्या डिटेल्स हैं जो हमें पता चला कि क्रैकर फेंका गया और फॉर्चुनेटली वो फटा नहीं, मगर कुछ और तफसीलात भी बताइए। फरिया साहबा, ये आमतौर पे टेनिस जो है वो बॉल इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल दहशतगर्दी के वाकयात में, के होता तो बल्ब बगैर छोटा है लेकिन काफी तबाही फैलाता है, और आमतौर पे इसमें जो है बाल बैरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। यही टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। हमारे आज टीवी का जो ऑफिस है तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पर है, वहां पर ये पहला हमला किया गया जिसमें उनके ड्राइवर और जो मुलाजमीन है वो जख्मी हुए। उसके बाद जो है हमारे ऑफिस के अंदर जो जहाँ मोटरसाइकिल की पार्किंग और गाड़ियां वगैरह खड़ी होती हैं, यहाँ पर ये वो टेनिस पंप पार्सल के अंदर था वो फेंका गया है, और लेकिन वो पंप जो है वो फट ना सका। इस वाकये के बाद जो है बम डिस्पोजल का हमला भी यहाँ पहुंचा है, उन्होंने जो है बम को नाकारा बना दिया है। यकीनन अगर खुदा ना खास्ता वो जो टेनिस पंप था वो फटता
तो यहाँ पर काफी हमारे रश होता है गेट के ऊपर। और शाम का वक्त था, हमारे कैमरामैन, रिपोर्टर्स, डेस्क का स्टाफ और दीगर जो स्टाफ है निवाई वक्त का, नेशन का, वो यहाँ पर काफी गेमा गेमी होती है, लोग आ रहे होते हैं, शिफ्ट चेंज हो रही होती है, तो काफी रश होता है, तो यकीनन काफी ज्यादा हो सकता था जानों का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी हमारे साथी महफूज रहे। टेलीफोन कॉल्स का यहाँ तांता बन गया था, जितने भी यहाँ मुलाजमीन थे घरों से फोन आ रहे थे, और काफी लोगों ने ना सिर्फ देकर मजहबी जमातों और सियासी जमातों ने इस पर एहतजाज किया, एमकेएम की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, और मुतवातर जो है वो टिकर हमें मुतवातर फोन करके जो है अफसोस इसका इजहार किया गया कि यह दहशतगर्दी का वाक़ है, जबकि मुख्तलिफ साफी तंजीमें उनके जो रहनुमा है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। और इस वक्त हमारे गेट के ऊपर जो है काफी गेमा गेमी थी, मुख्तलिफ हमारे मीडिया के जो साथी हैं जो फील्ड में साथ होते हैं, रिपोर्टर्स, कैमरामैन, वो भी यहाँ पहुंचे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो टेनिस बम था वो पट्टे से बच गया है, और जिसे बम डिस्पोजल के हमने जो है अपने इस वक्त कब्जे में किया है, अल्लाह का शुक्र है यकीनन कि सब हमारे साथी महफूज हैं, अल्लाह उनको महफूज रखे। आज न्यूज के साथियों के साथ भी हम अपनी सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं, आप लोगों के साथ यकीनन हम साथ साथ हैं, आप हमारा ही हिस्सा है। मुझे क्योंकि मैं उस ऑफिस में आती जाती रहती हूँ मलिक साहब, तो बाहर गार्ड्स भी बैठे होते हैं, बाहर और भी काफी गहमा गहमी होती है, किसी ने देखा था कि क्रैकर कहाँ से आया है, किसने फेंका है? हाँ जी बिल्कुल, सीसी फुटेज जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, और आमतौर इसमें जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आज टीवी का और वक्त टीवी में ये बताया जा रहा है कि एक ही ममासलत पाई जाती है, और एक ही जो है वो ग्रुप जो है जिसने पहले आज टीवी को अटैक किया और उसके बाद जो है वक्त टीवी को जो है वो टारगेट किया गया है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वो फट नहीं सका। इसके अलावा जो है बम डिस्पोजल अमला भी यहाँ पहुंचा था, रेंजर्स के हुकाम भी यहाँ पहुंचे थे, और मैं आपको ये भी अपडेट आगाह करता चलूँ कि कुछ माह कबल जो है जब से मीडिया दफातर पे हमले या इस हवाले से धमकियां दी जा रही थी, उसके बाद जो है एडिशनल आईजी शहद याद की तरफ से खासतौर पर टास्क दिया गया था कि जितने भी मीडिया दफातर हैं वहां पर सिक्योरिटी सख्त की जाए, पुलिस के दस्ते वहां तैनात किए जाएं, और कम से कम पुलिस अधिकार जो है वहां तैनात किए जाएं, और यहां पर भी जो है एक बाकायदा एक स्पेशल ब्रांच के अफिसरान आए थे और यहां पर नवाबत ग्रुप का जो है मुआयना करके गए थे यहां पर, उसके बाद जो है कहा गया था कि सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, लेकिन तहाल यहाँ सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई थी। ओके, सिक्योरिटी नहीं फराहम की गई। जावेद सिद्दीक साहब, थ्रेट है मीडिया को, ओवरऑल ही थ्रेट है, लेकिन आज जो हुआ है, पहले आज न्यूज के ऊपर, उसके बाद वक्त न्यूज के ऊपर, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। देखें, जहां पे पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी की एक बड़ी खौफनाक लहर चली हुई है, आप देख रहे हैं क्या वाकयात रुनमा हो रहे हैं, उसमें मीडिया को भी टारगेट किया जा रहा है, और जो वाकया है ये इस बात की दलील है कि जो भी टेररिस्ट हैं, जो भी इस मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर को शिद्दत देना चाहते हैं, वो हर तरफ हाथ पांव मार रहे हैं, और जहां पे वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर, शहरियों के ऊपर हमले कर रहे हैं, पुलिस पे कर रहे हैं, फौज पे कर रहे हैं, सिक्योरिटी इदारों पे कर रहे हैं, वो मीडिया को भी टारगेट कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है? वक्त चैनल का जहां तक ताल्लुक है, हम हमेशा से एक न्यूट्रल और मारूजी और बिल्कुल नॉन पार्टीजन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, होल हमारी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जो किसी के साथ तासुब का मुजाहरा कर रही हो, किसी की साइड ले रही हो, किसी एक मजहबी ग्रुप या एक सियासी ग्रुप की हमायत में बात कर रही हो। वी ट्राई टू बी वेरी न्यूट्रल एंड वेरी ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसके बावजूद जो है ये हमला करना ये समझ से बाहर है, सिवाय इसके के वो मीडिया को इंटिमिडेट करना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं, हरासा करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। मैं यहां ये भी आपको बताता चलूं कि 90s में नवाए वक्त के ऑफिस में कराची में एक खातून जो है पुरेसरार तरीके से वो अंदर दाखिल हुई, उन्होंने कहा कि मैंने एक इश्तहार देना है, और एक इश्तहार के तौर पर, क्लाइंट के तौर पर वो आई, और उन्होंने उनके बैग में एक बॉम्ब था, वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें हमारे कुछ साथी जो है वो जहां बाक हुए, वो पूरा ऑफिस जो है उसकी वजह से तबाह हुआ था। उसके बाद ये सेकंड अटेम्प्ट है नवाइवक ग्रुप के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है, और अगर वो मीडिया की किसी पॉलिसी से इख्तलाफ रखते हैं, किसी कंटेंट से इख्तलाफ रखते हैं, तो उसके लिए बहुत से और फोरम्स मौजूद हैं, आप बात कर सकते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, अखबार में कोई चीज छपी है उसके खिलाफ आप बोल सकते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और हमारा ये फर्ज है कि मुतासरा फरीक का भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसमें दिया जाए, लेकिन अगर आप अपने तौर पर यह फैसला कर लें
कि अगर इसने कोई इस एंकर ने या रिपोर्टर ने या मीडिया आउटलेट ने कोई चीज ऐसी जिस जो उनके ख्याल में समझ लिया तो उसका इलाज ये तो नहीं कि आप उसके ऊपर बम मारकर लोगों को तबाह कर दे। रिपोर्ट कैसे करेंगे? अभी इस लेटर में भी वो खुद ही अभी तो हमें पता नहीं है ये हमला कहाँ से हुआ, बट कनेक्टेड जो मुजाकरात है या बातचीत है या वॉर ऑन टेरर है तो फिर इसमें भी वो लोग भी मीडिया ही का इस्तेमाल करते हैं। तमाम पार्टीज मीडिया का ही इस्तेमाल करती हैं और मीडिया से नाराज भी इसलिए होती है क्योंकि हर साइड की बात करनी होती है। सेनेटर साहब, आप ऑपरेशन हो रहा है कराची में और उसके बावजूद कराची में ही हमले हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बतौर एक पाकिस्तान के शहरी के फिर एक सियासत के तालिब इलम होने की हैसियत से फिर एक हुकूमती जमात से ताल्लुक की वजह से मैं इन दोनों हमलों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। आज न्यूज पे भी और नवाए वक्त पे भी, नवाए वक्त की एक तारीख है, नवाए वक्त ग्रुप की, और नवाए वक्त के अखबार का खासा है कि जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना भी एक जिहाद है। वो मुसलसल हर उस जो है अखबार में लिखा जाता है अरसा दराज से। तो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग है, टॉलरेंस नहीं रही अब प्रेस में, मीडिया में इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग नवाए वक्त ग्रुप जो है वो करता है और उसकी वजह से नवाए वक्त ग्रुप का एक मकाम है। और खासतौर पे अब डॉक्टर मजीद निजामी साहब की जो है ना सरबराई में और माशाल्लाह जितने भी उसके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उसके मुदीर हैं, लिखने वाले हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। इसी तरह से आज न्यूज पर भी हुआ और लोगों को जो है निशाना बनाया जाता है। तो हम तो हक की आवाज के साथ हैं और जो हक की आवाज बुलंद करते हैं हम उसके साथ हैं, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बाकी नहीं, कराची की बात आपने, कराची की बात, प्रोटेक्शन भी तो देनी है सर अपने प्रोटेक्शन लोगों को। देखिए मीडिया ही सेफ नहीं है, कोई भी सेफ मेरी बात सुनिए, प्रोटेक्शन जो है ना लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, कितनी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, ठीक है। अब अचानक किसी जगह पे काम हो जाए प्रोटेक्शन देना हुकूमत, लेकिन अभी हमारे रिपोर्टर ने बताया कि ये काफी अरसे से थ्रेट थी और यहाँ पे बकायदा ऑर्डर्स आ गए थे। वी विल ट्राई टू टेक समबडी फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट एज वेल, अपनी टीम को मैं ये कह रही हूँ, लेकिन ये कि हम लोग थोड़े से शायद लेजी हो गए हैं या बहुत सारे फंड्स के ऊपर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया हो सिंध गवर्नमेंट को और उन्होंने माकूल इंतजाम न किया हो, वो तो वही जवाब दे सकते हैं, बिकॉज वी हैव नॉट सीन इट, वी आर नॉट एट द स्पॉट। पर फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो सिक्योरिटी प्रॉपर मुहैया होनी चाहिए थी वहां पे। आई एम विद यू एंड सिक्योरिटी वहां पे है भी सवाती साहब, जितनी सिक्योरिटी एक मीडिया के आउटलेट पर होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना मैसेज हमने आगे लेकर चलना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है, जो किया दो ग्रुप्स को उन्होंने टारगेट कर दिया। उससे पहले कराची में ही एक और ग्रुप के साथ काफी अंधनाक वाकया हो चुका है, तो फिर अब ये आगे कहां तक जाएगा? देखें, ये दोनों वाकयात जो है इंतहाई संगीन है, इसलिए कि मीडिया के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और आपको याद है कि हमने जेलें भी खाई हैं, लाठियां भी खाई हैं। बड़ी एक तवील जद्दोजहद के बाद जो है मीडिया आजाद है और मैं समझता हूं कि जो दो वाकयात हुए हैं ये बाकायदा रियासत के एक सतून के ऊपर जो है ये हमला है। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ने इसके अंदर जो है कुर्बानियां दी हैं और इसकी जिस तरह भी शदीद मुजम्मत की जाए मैं समझता हूं ये कम है, इसलिए कि जिस तरीके से आपने बेहतर तौर पे फरमाया और फिर सेनेटर साहब ने भी कि हमें अपने जो माफियो जमीर है वो बयान करने के लिए मीडिया से अलावा ताकतवर कोई ऐसी ऐसी चीज जो है वो नहीं, और खासकर पाकिस्तान जो सब कर रहे हैं, पाकिस्तान में हर एक को सपोर्ट हेल्प कर रही है। मकसद ये है कि जब मौलाना अब्दुल अजीज जैसा शख्स जो है जो बयान यहाँ पे आके देता है जिससे मेरे 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 मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं, उसके बावजूद उसको इजाजत है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत जो है वो अपना नुक्ता नजर जो है कौम के सामने पेश कर सकता है, तो मैं समझता हूं कि आज के वाकियात जिस तसलसल से हो रहे हैं और जिस तसलसल से मेरे इस मुल्क को गंभीर हालात के अंदर मुब्तला किया जा रहा है इसमें हम सारे फिक्रमंद हैं। सारे फिक्रमंद हैं। कोई ब्रेक लेनी है, मैं उसके बाद वापस आती हूँ, हमसे मजीद बात करेंगे। बाद मुज़ाकरात की करनी है, सीरियस इश्यूज पाकिस्तान में इस वक्त तो हो रहे हैं जिनके ऊपर एक संजीदा बहस की जरूरत है, एनालिसिस की जरूरत है, मगर आप जो ये काम आपके लिए कर रहे हैं अगर उन्हीं के ऊपर हमला कर देंगे, उन्हीं को डरा देंगे, धमका देंगे, उनकी आवाज बंद करने का सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर जाना है? वक्फा लेंगे, उसके बाद मजीद बात करेंगे कि पहुंचेंगे एपीएम कई है जी। हाँ
हम बात कर रहे हैं आज जो क्रैकर अटैक हुआ आज न्यूज के ऑफिस के बाहर और वक्त न्यूज के ऑफिस के बाहर, उसके साथ साथ मुजाकरात के बारे में भी अपडेट यह है कि हुकूमत तालिबान अमर मुजाकरात के हवाले से मौलाना समीउल हक ने यही कहा था कि कौम को खुशखबरी दी जाएगी, लग ये रहा था कि सीज फायर हो जाएगा, मगर एक जो पाकिस्तान में जारी खूनरेजी है वो रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। इस हवाले से हमारे जो जज्बात हैं वो हुकूमती कमेटी से मुख्तलिफ इसलिए नहीं है कि जो FC का वाकया हुआ है वो यकीनन एक लम्हा फिक्रिया है। मौलाना यूसुफ ने क्या कहा असिस्टेंट रहे? हमें भी मेहमान एजेंसी के इस वाकये पर अफसोस है और अगर मुश्तरक इजलास होता तो हम बाहम मिलकर तहकीकात करने और इस तरह के वाकयात की रोकथाम और मुल्क में अमन की बहाली मुकम्मल बहाली के लिए सर जोड़ कर बैठते, लेकिन अफसोस है कि हुकूमती मुजाकराती कमेटी ने हमें तालिबान करार देकर हमसे मिलने को मुलतवी कर दिया, जो नहायत अफसोसनाक है। ऐसे वक्त में मुशावरत मुलतवी करने के बजाय सर जोड़कर मिल बैठना परजैन बन जाता है। बस TV चैनल्स की तरफ से कहा जा रहा है कि हुकूमत और फौज ने मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। हम ये वाजह कर देना चाहते हैं कि गुज़श्ता 10 सालों में किसी ऑपरेशन का कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला है। इसके नतीजे में लाखों बेगुनाह अफराद, बच्चे, खवातीन नकल मकानी पर मजबूर होंगे, हजारों अफराद दोनों तरफ लुक में अजल बनेंगे, सैकड़ों बस्तियां उजड़ेंगी और पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की शदीद तरीन लहर उठेगी। हम साथ साथ मुज़ाकरात के ऊपर भी बात करना चाहते थे रफीक अजवान साहब, जो FC के अहलकारान के साथ हुआ उसके बाद आई थिंक नेचुरल रिस्पॉन्स ही होगा हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का कि थोड़ा सोचें क्या करें, फिर मौलाना साहब हो या कोई और हो वो आके फिर हुकूमत को ही बुरा भला कह रहे हैं, तालिबान का कोई कसूर नहीं है इसमें। मैं भी एक दूसरे चैनल से आ रहा हूँ, वहां टेलीफोन लाइन पे मौलाना यूसुफ साहब भी थे, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की है कि हम कोशिश जारी रखेंगे। उनका यही मौका था किस चीज की कोशिश जारी रखेंगे? गुफ्तगू सुनने की, राइट। और आज जो है हुकूमती टीम को मुज़ाकरात का तातुल नहीं करना चाहिए था, राइट। मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े वाकये के बाद, मसलन आपने वो लेटर किसी वो मेहमद एजेंसी या किसी वो तालिबान के किसी ग्रुप का पढ़ के सुनाया है, मैं ये समझता हूँ उनको ये जो खदशात थे, तो मुज़ाकराती टीम किस लिए थी? उनको अपनी ये लॉज करते कम्प्लेंट कि जी आप तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये 3-4 मिसालें हैं हमारे, ये इल्जाम है, ऑफर इट इज करेक्ट, आई कांट से एनीथिंग, उनका एक इल्जाम ही है ना, ठीक है ना, इल्जाम है इस पे। तो जो उन्होंने जो 23 हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के आदमी शहीद किए, उन्होंने तो माना है और उन्होंने खुद रीजन दिया है। हुकूमत ने तो ये नहीं कहा कि हमने ये जेल से निकाल के मारे, बट इन एनी केस गेंद थी मुज़ाकराती टीम के कोर्ट में, मैदान में, तो इनको चाहिए था उनको कंप्लीट लॉन्च करते, ना के जो 2010 से इनके पास 23 आदमी थे उनको आज शहीद कर दिया गया। तो ये एक रिटेलिएशन एंड टाइम पे जब आप सीज फायर की आज बात चलने वाली थी, तो मैं ये समझता हूँ ये रद्द अमल एक नेचुरल है। आप ये देखें कि रोज मीडिया पे आप भी प्रोग्राम करती है, मेरे सीनियर दोस्त बैठे हैं ये भी प्रोग्राम करते हैं, अदरवाइज भी इनकी बड़ी गहरी नजर है, तो रोजाना ये बात होती है, वो तो रोज लाशें गिर रही हैं जी, कब तक लाशें उठाते रहेंगे? हुकूमत तमाशाई बनी हुई है, हुकूमत उनको कुछ कहती नहीं है, हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है। तो आज का रिएक्शन मेरी नजर में नेचुरल था, किसी को इसके तरीका कार पे इख्तलाफ हो सकता है, हर किसी की अपनी राय है, मगर ये मैसेज देना और खास तौर पे कौम के इस मोराल को अप रखना बहुत जरूरी है कि इन आसात के बावजूद भी आज हम खामोशी से कोई रिएक्शन या रद्द अमल का इजहार न करें। मगर मैं समझता हूँ इट्स नॉट लास्ट वर्ड, के आज कह दिया तो मुज़ाकरात खत्म हो गए, आज के एक रद्द अमल है, मेरी अपनी एक व्यू पॉइंट है। सो टॉक्स विल स्टिल गो ऑन, आई होप ठीक। आजम सवाती साहब, ये सवाल कई दफा मैंने भी PTI के लोगों से पूछा है और कल इमरान खान साहब से बाबा सितार साहब ने भी पूछा है एक इंटरव्यू में कि रेड लाइन क्या है जब हम कहेंगे कि ये अब इन लोगों से हम बात नहीं कर सकते। देखिये बुनियादी बात यह है कि अगर पहली बात तो यह है कि ये जो वाकिया है इसकी जिस तरह भी मजम्मत की जाए और जितना दुख का इजहार किया जाए, मेरा ख्याल है कोई अल्फाज इसके लिए कम अज कम मेरे पास नहीं है, इसलिए कि एक मासूम का कत्ल इंसानियत के कत्ल के बराबर है। ये हमारा ईमान है, हमारी बुनियाद है और हमारा अकीदा है। लेकिन वो हमारे बच्चे ही हैं जिनके साथ ये हुआ है,
जो एफ सी के जवान है वो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा जिगर है, हमारा जिगर है। तो हमारे रिलीजन में, हमारे कल्चर में, हमारे जमाने में बदला लेने का भी कहा गया है। मैं उस तरफ आता हूँ, किस तरफ हम मुजम्मत करते हैं बदला? देखिए, बदले की जो बात है वो तो आपको उलमा ही बता सकते हैं। मैंने जिस अपने प्यारे नबी से सुना है वहां माफी का है, वहां बदले की बात नहीं है। और परवरदिगार और मेरा मेरा रब जो है वो भी बच्चों की जो माए हैं मैं वही कह रहा हूं, उनको डिसाइड करने देते हैं, आपने माफ करना है सबको। अब सुने तो सही ना जी, कि मैंने जिस नबी के हम पैरोकार, मैं नहीं बल्कि हम जिस नबी के पैरोकार हैं, वहां माफी माफी है, वहां बदले की बात नहीं है जी। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने तालिबान को, और फिर जिस जो बदला ले रहे हैं मुसलसल, वो कह रहे हैं कि आपने हमारे लोग मार दिए, इसलिए हमने आपके अल्लाह का, जिस अल्लाह का कलमा हम पढ़ रहे हैं उसमें बदले की जरूर इजाजत है, लेकिन माफी बहुत बड़ा अजर है, उससे बड़ी कोई फजीलत की बात जो है, ये हमारा दीन है। और मेरे हाल में चंद अल्फाज जो है ये मेरी दीन की तर्जुमानी और आपके दीन की तर्जुमानी जो है करेंगे। ठीक, जहां तक मुजाकरात की बात है तो कल की वाकये के बाद भी मुजाकरात होंगे और इत्तेफाक राय होगा। देखिए, ये इस किस्म के संगीन वाकियात आते रहेंगे, लेकिन हमें दलील की रोशनी के अंदर देखना है कि सबसे ज्यादा फायदा क्या है। और सबसे फायदा यह है कि इतने संगीन जरायम के बावजूद भी अगर हम एक इंसान की जिंदगी को बचा लेते हैं तो ये इंसानियत, पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। हमें कभी भी हमारा नैरेटिव यह है, और जिसके लिए हमें पूरा मीडिया और माशाल्लाह हर तरफ से हम पे ये बात आ रही है, लेकिन हम आखिरी हद तक मुजाकिरात के हक में हैं, और ये वक्त साबित करेगा, वक्त साबित कर, हम किसी को गलत नहीं कहते कि मेरा ये ख्याल है कि हमारे मुस्तकबल जिस चीज से वाबस्ता है वो सिर्फ और सिर्फ मुजाकिरात के अंदर है। जावेद सिद्दीकी साहब, क्या इत्तेफाक राय हो सकता है? क्या बातचीत आगे बढ़ सकती है? दोनों तरफ से पॉजिटिव साइंस आए हैं, हुकूमत की दो जमातें यहाँ पर मौजूद हैं, फिर दूसरी तरफ से भी शायद वो बात अब भी करेंगे, लेकिन ये चलता सीज़फ़ायर क्यों नहीं कामयाब हो सक रहा? देखिये, तारीख ये बताती है कि तमाम मसाइल दुनिया में वो बातचीत से ही हल हुए अल्टीमेटली। ठीक, वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, उससे पहले 19वीं सदी की जंगें हुई हैं, उन सब में ये हुआ है, अल्टीमेटली मुज़ाकरात की बेस पे ही सब कुछ तय होता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो ये प्रोसेस जब से शुरू हुआ हुकूमत और तालिबान के साथ, मैं समझता हूं कि ऐसे नशीब अफराज आ रहे हैं और ऐसी उतार चढ़ाव आ रहे हैं इसमें, और खास तौर पे ये जो कत्ल गारत का सिलसिला ये रुक नहीं रहा, एक तासर ये पैदा हो रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसके अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो कुछ ग्रुप्स तो बातचीत कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, पॉजिटिव उनका एटीट्यूड है। इसमें थोड़ा सा फर्क ये है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि वो कह रहे हैं कि हमने क्यों किया, वजह भी बता रहे हैं, वो वजह बता रहे हैं, ये तो एक बता रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई वाकयात हो रहे हैं। मतलब कराची में जो पुलिस वैन पे हमला हुआ और उसमें 13 पुलिस एहलकार मारे गए, रेंजर्स पर हमला हुआ, इसके अलावा और भी वारदातें हो रही हैं, इसका मतलब है कि कुछ ग्रुप्स हैं विद इन दी तालिबान जो कि ये उनका जो वो फैक्शन जो कि बातचीत कर रहा है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, जो मसाइल का हल चाहता है, उससे हटकर वो ये कर रहे हैं, और इस तरह से ये सारा अमल जो है ये सबोटाज हो जाता है। हुकूमत ने अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं किया, मिलिट्री ने कोई ऑपरेशन नहीं किया, लेकिन उस तरफ से ये चीजें हो रही हैं जिससे ये प्रोसेस डीरेल हो रहा है। मैं समझता हूं कि उनको इस सिलसिले में एक इकट्ठे होकर, अभी उन्होंने आज तालिबान ने कहा कि हम नरमंद वालों से पूछेंगे कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया है, इसका मतलब है कि उनको नहीं बताया गया जो असल लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं ये पढ़ना भी चाहूंगी जो शाहजहां साहब ने एग्जैक्टली कहा है, उन्होंने ये कहा है, मैंने आपको लेटर सुना भी दिया था, ऐसा लगता है कि मेमन एजेंसी वालों ने रद्द अमल में कार्रवाई की हो। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान हमारे 23 साथियों को कत्ल कर दिया गया है, नौशहरा में हमारे 16 साथियों को कत्ल किया गया, जबकि गुज़श्ता रोज कराची में 5 और आज 2 साथियों को मारा गया। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं जबकि दूसरी तरफ हमारे साथियों को मारा जा रहा है। शाह अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि तालिबान बातचीत और मुज़ाकराती अमल में संजीदा है, हमारे खिलाफ कार्रवाई
बंद होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट बयान है जो शाहिदुल्लाह शाहिद साहब ने दिया। उसके साथ जो एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई वो ये कि अस्करी क्यादत हैज स्पोकन अप। जनरल कियानी ने जो इमरान खान साहब ने बात उनसे मंसूब की थी उसके बारे में बड़ा क्लियर अपना मौकफ दे दिया है। वो ये कहते हैं कराची में फॉर्मर अस्करी क्यादत, कराची में 13 पुलिस एहलकारों और मूवमेंट एजेंसी में 23 एफसी एहलकारों का कत्ल दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों की जानिब से इस किस्म की कार्रवाइयां काबिल मजम्मत है। हुकूमती तहवील में दहशतगर्दों की हलाकत से मुतालिक कदम तरीके तालिबान का इल्जाम बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा है जिसमें कोई हकीकत नहीं। दहशतगर्दों की जानिब से इस किस्म के इल्जाम का मकसद अपनी कार्रवाइयों का जवाब पेश करना है। ये तो अभी की अस्करी क्यादत का मौकफ है। और जो जनरल कियानी ने कहा इमरान खान साहब के बारे में वो ये है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान शुमारी वजिस्तान में फौजी कार्रवाई से मुतालिक उनसे जो बात मनसूख करे हैं वो अक्सर गलत है। मैंने फौजी कार्रवाई से मुतालिक बात ब्रीफिंग में नहीं कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में की थी जहां तमाम सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद थे। लगता है कि इमरान खान इस वक्त मेरी तरफ मुतवज्जह नहीं थे, शायद इसी वजह से मेरी बात ठीक तरह से सुन नहीं पाए। मैंने कहा था कि ये समझना दुरुस्त नहीं होगा कि शुमारी वजिस्तान में कार्रवाई होते ही दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा, अलबत्ता इसमें 40% तक कमी आ जाएगी। हम डिटेल्ड गुफ्तगू कर रहे हैं मुज़ाकरात के ऊपर भी और अब क्या होगा। अभी तक यही कहना है मेरे साथ जो सीनियर साहबान मौजूद हैं कि मुज़ाकरात फिर भी जारी रहेंगे और जारी रहने चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी कुवतें हैं जो चाहती हैं कि ये मुज़ाकरात सबोटाज हो। जनरल अमजद शोएब भी अब हमें ज्वाइन करें, दफा इंतजार करें। वेरी वार्म वेलकम टू यू। सो हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, लेकिन आई वॉन्ट टू एड यू क्विकली कि क्या जो हालात हैं उसमें हम पब्लिक सेंटिमेंट को भी मुज़ाकरात के लिए साथ साथ रख सकते हैं? एक तरफ लोग कत्ल हो रहे हैं, गले कट रहे हैं, दूसरी तरफ आप बातचीत किए जाए। देखिए, पब्लिक सेंटिमेंट तो पहले ही मुज़ाकरात के मुखालिफ था। चंद एक जमातें, सियासी जमातें मुज़ाकरात के हक में थी और पब्लिक सेंटिमेंट इस वजह से खराब था, ये खिलाफ था कि पब्लिक में ये एक फीलिंग थी कि रियासत की रिट हर सूरत हर जगह कायम होनी चाहिए और उसके बगैर कोई मामला तय किया नहीं जा सकता। अगर गुफ्तगू भी करनी है तो उससे पहले उन अनासर को रियासत की रिट माननी चाहिए। शरायत रियासत की तरफ से हो सकती हैं, तालिबान या किसी ऐसे दहशतगर्दी के हामिल ग्रुप से नहीं हो सकती, यानी उनकी तरफ से शरायत नहीं हो सकती। तो इस वजह से हुकूमत पे आज भी बड़ा प्रेशर है, जहां खून खराबा हो रहा है और आवाम चाहते हैं कि इसका तदारुद हो। और बहुत सारे आप देखें कि मीडिया में भी अखबारात में भी हर तरफ ये बात कही जा रही है कि हुकूमत बहुत कमजोरी और बुजदिली का मजारा कर रही है। सो यू से पब्लिक सेंटिमेंट के अगेंस्ट है पाकिस्तान को इग्नोर? बिल्कुल, ये हुकूमत के तो एक सिविल गवर्नमेंट है, वो तो हुकूमत का जो लोगों का मूड है वो रिफ्लेक्ट करेगी। देखिए ना, मैं वही कह रहा हूं कि ये एक लोगों के मूड के निस्बतन खिलाफ बात थी, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया सिर्फ इस वजह से कि हुकूमत वक्त इस चीज में मुखलिस नजर आती है कि हमने अमन बारसूरत कायम करना है। ठीक, वरना बात इतनी थी कि हुकूमत 18 करोड़ लोगों के वोटों से आई है, ये उनको जवाब दे, तालिबान को जवाब दे नहीं है। जब उनका खून बह रहा है तो वो हुकूमत के गिरबान को आएंगे कि आप बताएं हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत एक बड़े मुश्किल मैं समझता हूं कि हालात में फंसी पड़ी थी। अब जैसे जैसे बात अभी मैं सुन रहा था कि स्वाति साहब ने भी कहा कि माफ कर देना बेहतर है, ये लेक्चर जाके तालिबान को क्यों नहीं देते? वो क्यों नहीं ये रास्ता इख्तियार करते जहां उनको पता है कि वो एक मुजरमाना हरकतों में मुलव्वस हैं, जहां ये पता है कि वो एक हुकूमत जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ दर पे हैं। ये सारी चीजें इन हजरात को जो कि उनकी कमेटियों में हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये दर्श जाके उनको देने चाहिए कि तुम इंसान बनो भाई, ये कत्लो गारत किस दीन का हिस्सा है, ये किस चीज में ये जायज है ना? ये शरीयत, आप शरीयत की बात करें तो गैर शरीय तरीके से, आप मासूमों को अगवा करके तावान मांगे तो गैर मुस्लिम तरीके से, आप मुसलमानों को मस्जिदों में जाके मारें, ये सारे काम जो आप कर रहे हैं ये कमेटियों को जाके उनको बताना चाहिए कि भाई हमारे पास इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हम जाके मासूमों को ये नहीं बता सकते कि तुम इबादत करने मस्जिद में अल्लाह का नाम लेने जाओगे तो तेरे पीछे ये खून खराबा होगा। तो ये चीजें ये कमेटियों वाले सारे हजरात को चाहिए कि ये मुल्क की मदद करें, सिर्फ उनका मौकफ ना प्लीड करें बल्कि इन 18 करोड़ लोगों का मौकफ प्लीड करें जो इनके हाथों यरमाल जाए। क्या ये बात कही जा रही है उस तरह फोर्सफुली हुकूमत की? जनरल साहब को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, पहली बात तो ये है कि ये चंद जुमातें नहीं है, एपीसी में सारी जुमातों ने इतफाक से कंसेंसस और मैंडेट दिया मौजूदा हुकूमत को और इस मुज़ाकरात के अमल पे प्राइम मिनिस्टर जो है डे टू डे बेसिस पे, गो के हमारा मौकफ ये है
कि इतना लेट नहीं करना चाहिए था। ठीक, बैरूनी दौरों से बेहतर यह था कि इसलिए कि अमन मुल्क में आएगा तब इन्वेस्टमेंट आएगी, अमन मुल्क में आएगा तब ये सारी चीजें मईशत और माशरत हमारी ठीक होगी। ठीक, दूसरी बात यह है कि हम कतन भी एक कलदम तंजीम और उसके अफराद को उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, हम आवाम के सेंटीमेंट को अपने जहन के मुताबिक इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है। दस साल हमने सुने मेरी पूरी बुरी जरा बात, दस साल हमने गुजार लिए, दस साल किसी ने किसी के हाथ नहीं बांधे, ठीक, ऑपरेशन दस साल से जारी है। ठीक, अगर वो वाकई इस मुल्क के दुखों का मदावा होता राइट तो आज हम इन मुजाकिरात की बात खत्म भी ना करते। ठीक, ठीक, लेकिन जिस जंग को हमने खुद खरीदा और अपने वहां से इस मुल्क की दहलीज के ऊपर लेके आए, उसका अब तकाजा यह है कि कम से कम जज्बात में खेलने की बजाय, बदला और इंतकाम की बात करने की बजाय संजीदगी इख्तियार करके इन मुजाकिरात को कामयाबी की तरफ लेके जाए। लियाकत बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी लियाकत बलोच साहब, एफसीआई कारों की शहादत के बाद अब आप क्या समझते हैं कि मुजाकिरात में अगर डेडलॉक होता है या तात्तुल आता है तो उसका कसूर किस पर जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी कि मुजाकरात के हवाले से दो तीन चीजें हमें पेश नजर रखनी चाहिए कि 9/11 के बाद जो लोग फौजी ऑपरेशन या फौजी ताकत के इस्तेमाल के हक में हैं, आज तक उन्हें किसने रोका है, कहाँ रुकावट पैदा हुई है, मुजाकरात ने कहाँ इन चीजों को रोक दिया है कि भी अगर आप इन मामलात को ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए तो कोई रोक टोक नहीं है, मामले को इस तरीके से ठीक किया जा सकता है, तो आज पाकिस्तान के हालात ये ना होते। इसलिए जब पार्लियामेंट का एहसास होता है, इन कैमरा सेशन होता है, उस वक्त भी तमाम जमातें, फिर जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे स्वाति साहब ने कहा कि तमाम जमातें मौजूद थी, आर्मी चीफ मौजूद थे, DGISI मौजूद थे, बाकी सारी हुकूमतें मौजूद थी, सबने इसी पर चीज पर इत्तफाक किया। फिर हम ये भी जानते हैं कि जैसे ही मुजाकरात शुरू होते हैं उसके लिए कोई एफर्ट्स होती है और कोई चीज ट्रैक पर लाने की कोशिश की जाती है या दहशतगर्दी की लहर बढ़ा दी जाती है, ड्रोन अटैक होते हैं या सिर्फ एक मिनट में ड्रोन अटैक तो हुआ ही नहीं है और ना कोई आर्मी ने कोई ऐसा किया है, इस वक्त तो उन लोगों ने हमारे फौजियों को मारा है। मेरी बात सुन लेना जी कि भाई आप यहाँ मीडिया पे जो सारी चीजें प्रोपेगेट होती है वो भी तो एक माहौल पैदा करती हैं। इसलिए ये जो कराची में पुलिस वाकया हुआ है या मोहम्मद एजेंसी में एफसी के अहलकारों पर वाकया हुआ है, उनकी शहादतें हुई हैं, नहायत काबिले मजम्मत हैं, अफसोसनाक हैं, बेईमाना हैं, उसकी जो भी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है। लेकिन ये है कि जो मुजाकरात नहीं चाहते, जो ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल चाहते हैं, जो मुजाकरात को सबोताज करना चाहते हैं, ये कुव्वत तो बड़ी तादाद में काम कर रही है। लेकिन हमारा अपना कौमी तरजीहात दोबारा इंतहाई अदब से वो कुव्वतें भी तो हैं जो सपोर्ट भी कर रही हैं, वो जमाते हैं अभी जिक्र किया है आपके सामने। कोई मेरा आज ही नवाज वक्त में कॉलम छपा है जहाँ मैंने बड़ा पॉजिटिव होकर लिखा है मुजाकरात के बारे में और मुझे कैसा लग रहा होगा कि जब वो छप कर आया तो उसी अखबार में ये खबरें छपी थी। जो सिचुएशन होती है बाज औकात उन चीजों को गटमट कर दिया जाता है, जो हौलनाकी है, जो खौफनाकी है, जो दहशतगर्दी है, बेगुनाह इंसान कत्ल हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम हो रहा है, ये हम सबका मुश्तरका मसला है। सबका मुश्तरका मसला है। लेकिन भाई साहब अनफॉर्चुनेटली मुझे एक ब्रेक की तरफ फौरन जाना पड़ा, उसके बाद आके मजीद बात करेंगे। क्विक ब्रेक की अपॉर्चुनिटी वेलकम बैक। एक तरफ मुजाकरात हो रहे हैं, संजीदा कोशिश है कि अमन आ जाए, मगर साथ ही साथ ऐसे वाकयात भी हो रहे हैं जिसके ऊपर सबका कंसर्न भी है, सबकी परेशानी भी बजाय। रितिक कुजवाना साहब, क्योंकि सिस्टमैटिक डायलॉग की बात हो रही है, एक तरीका कार होना चाहिए, कंफ्यूजन नजर नहीं आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दोबारा आज थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आई। आपने देखा कि किस तरह तालिबान की जो तर्जुमान कमेटी थी उन्होंने कहा कि हुकूमती कमेटी ने हमसे बात ही नहीं की। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर दोनों कमेटीज को बुला लेते और कहते कि बताएं व्हाट्स गोइंग ऑन और दोनों से मजम्मत करवाएं कि व्हाई इज दिस हैपनिंग नाउ। देखिए बात यह है कि ये
23 افراد کی شہادت کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج میسج دیا گیا کہ آج ہم مذاکرات نہیں کرتے یا ہم نہیں بیٹھتے دیٹ از اے رائٹ میسج آن رائٹ ڈائریکشن ٹھیک ہے کیوں یہ میسج دیا گیا کہ ہم نے ابھی مومنٹریلی ہم بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہی اسی طرح سے ٹھیک ہے مگر میں ابھی آپ کو حوالہ دے رہا تھا کہ دوسرے چینل میں میری ہمارے سامنے جو گفتگو ہوئی مولانا یوسف صاحب سے تو انہوں نے کہا یہ جی آج ملاقات ہونی چاہیے تھی ہم سیز فائر کی تیاری کر کے آئے تھے شاید سیز فائر ہو جاتی اچھا تو یہ ملاقات کی جو آج یہ انکار کیا گیا تو اس سے شاید نقصان ہو مگر ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے ہم نیک نیتی سے یہ کام کریں گے تو میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے کچھ تو میسج جانا چاہیے کہ 2010 سے وہ آدمی وہ بیچارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ تھے دیور ود دیم اگر پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے دوبارہ دہرائی جا رہی ہے تو اس کے بعد اتنا سانحہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد تو کچھ تو میسج جانا چاہیے مگر پھر بھی ڈائلگ بھی جانا چاہیے مگر کہیں تو اسٹیٹ بھی نظر آئے نا کہیں تو کچھ نظر تو آئے بھائی ظلم کر رہے ہو یہ ساری جو ہے نا یہ جتنی بھی کاروائی کر رہے ہو اس کے باوجود ہم مذاکرات پہلے بھی کر رہے تھے اب بھی کرنا چاہتے ہیں مگر یہ آج کا میسج میں سمجھتا ہوں پوزیٹو میسج اور ساتھ ہی جنرل صاحب جو ہماری پہلے بات ہوئی کہ عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے عسکری قیادت کا بھی میسج آیا ڈو یو تھنک کہ ہمیں فورسفل میسج دیا سول گورنمنٹ نے بھی اور عسکری قیادت نے بھی بیکاز سانحہ تو بہت بڑا ہے ایسے ایسے واقعات پہ اللہ معاف کرے بہت کچھ ہو سکتا ہے سو ریسٹرینٹ بھی رکھنا ہے اور اپنا رجسٹر بھی کرانا ہے یہ جو آرگومنٹ اکثر دی جاتی ہے نا کہ جی ہم 10 سال سے تو آپریشن کر رہے تھے تو کچھ نہیں ملا اب امن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ٹھیک 10 سال سے آپریشن کچھ اور نقطہ نگاہ سے کیا گیا آپ اسٹیٹ کی رٹ قائم کرنا چاہتے تھے 18 ایجنسیز میں سے 17 میں آج رٹ قائم ہے ان علاقوں میں سے طالبان کا اثر رسوخ ختم ہو گیا اب چیز یہ ہے کہ یہ ٹاکس کے اگر کوئی کہے کہ ٹاکس کرنی چاہیے تو میں یہ کہوں گا کہ ریاست کا بھی احترام ہونا چاہیے سو ضروری یہ ہے کہ ٹاکس کے لیے ایک اسٹریٹجی اور نیریٹو تھوڑا سا بدلا جائے ٹھیک جو مذاکراتی ٹیم ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ختم ہو مذاکراتی ٹیم یہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرے اس میں صرف پروفیسر ابراہیم صاحب پہ نہ چھوڑا جائے کہ وہ جا کے وہاں بات چیت کریں ان میں اور علماء بھی شامل ہوں والنٹریلی شامل ہوں اور طالبان کو یہ احساس کرایا جائے کہ وہ غلطی پہ ہیں حکومت کو وہ یہ بتائیں کہ ہم حکومت کو واپس جا کے قائل کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ دوبارہ گفت و شنید شروع کریں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کاروائیاں روکنی ہوں گی اب حکومت کی طرف سے یہ شرط ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اس بات کا اعلان کرے کہ ہم نے گفت و شنید ختم نہیں کی گفت و شنید صرف ان لوگوں کے ساتھ ختم کی ہے جنہوں نے یہ کاروائیاں کی اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا لیکن ہم ان تمام دلوں سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں طالبان میں یا کسی بھی اور سیکٹر میں جو کہ امن کے خواہاں لیکن جنرل صاحب یہ ڈسٹنکشن طالبان سے بھی کروائیں ہم تو نہیں کر سکتے خالی وہ ڈسٹنس کریں اس سے کہ جب حکومت ایکشن دیکھیں اب محمد سے یہ کاروائی ہوئی ہے ٹھیک محمد کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے اور پوری قوم کو کھڑے ہو کے ان 23 لوگوں کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو پوری سزا دینی چاہیے پورے سارے طالبان گروپ کے خلاف آپ آپریشن نہ کریں دوسری طرف آپ کو میسج دینا چاہیے کہ ہم صرف انہی لوگوں کے خلاف ایکشن کریں گے جو یہ حرکتیں کریں گے اور جیسے ہمیں پتہ لگے عمران خان صاحب نے بھی کہی ہے کہ جو عسکری پسند ہے ان کے اوپر شاہد اللہ شاہد صاحب کا آپ خان صاحب انہوں نے کہا شاہد اللہ شاہ صاحب کا آپ نے جو پہلا پورشن پڑھا ہے نا اس میں اس طرح سے لگتا ہے جیسے ان کا اظہار لا تعلق ہی ہو کہ ان کے علم میں نہیں تھا ایسے ہی ہے باقی پورشن کو فی الحال رکھ دے تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے اس کا مطلب وہی ہو جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ طالبان جب تک یہ جو ٹی ٹی پی ہے ایک اینٹیٹی کے طور پہ ایک باڈی کے طور پہ بات نہیں کرے گی اور جب تک اس میں یہ فیکشنز ہیں جو سیبوٹاج کر رہے ہیں جو ان کی ہائی کمانڈ کی جو بھی کمانڈ ہے ان کی شورا ہے اس کی بات نہیں مان رہے اگر ڈائریکشن یہ ہے کہ یہ ہمیں بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے پیس کو ایک چانس دینا ہے تو اس وقت پھر یہ ایک ٹوٹل سوچ ہونی چاہیے اگر یہ سوچ نہیں ہے مجموعی طور پہ ٹی ٹی پی میں اور کچھ فیکشنز ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ان کی بات ہی نہیں مانتے they will continue these activities in Pakistan. So ان کو ایک فورسفل میسج تو جانا چاہیے کہ دیکھیں نوٹ کر وہ جو گروپس ہیں جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اثر ہیں
और वो अपनी एक फोर्स रखते हैं, असर रखते हैं, तो उनको इनको दबाव डालना चाहिए कि जब तक हमारी बातचीत हो रही है कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे और मुजाकरात को एक चांस देंगे। अगर ये नहीं होता तो ये सारा प्रोसेस जो है ये डीरेल हो जाएगा और खुदा बड़ा खतरा है इस बात का। स्वाति साहब, ये तो इमरान खान साहब ने भी बात की थी कि जो इनमें फिर भी मिसक्रिएंट्स हैं और तालिबान के भी कुछ ग्रुप्स हैं जो नहीं चाहते कि मुजाकरात हो, उनके खिलाफ एक्शन क्या? इसमें कोई शक की बात नहीं, जनरल साहब ने कहा कि उनके खिलाफ फिर आप कर दें, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारा अमेरिका और इंडिया है, और जनरल साहब इस बात को करेंगे कि इसके अंदर पूरी तरीके से वो मुलव्वस हैं कि किसी न किसी तरीके से जिस जज्बात के अंदर आप जा रहे हैं उसको और उबार के इसको सबोटाज किया जाए। इसमें दूसरी कोई राय है नहीं। असल जो जो बात हम कर रहे हैं कि हमने इस जंग से निकलने के लिए अगर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता है तो बिस्मिल्ला। ये रास्ता नहीं था इसलिए पूरे मुल्क की इस पार्लियामेंट ने जो तर्जमानी करती है 18 करोड़ लोगों की वोटर्स की, आपने फिर एक बड़ी अहम बात किया, उनका रास्ता नहीं था, यही बात जनरल साहब इमरान खान साहब कहते रहेंगे 40% चांस था। आज जनरल मैं सर अभी बात कर लू ना कि जब इस जब एक सब पूरी कौम ने और पूरी कौम की पार्लियामेंट ने फैसला किया, मेरा हाल में उसमें हमें शुबा नहीं होना चाहिए। सर आप लोगों ने फैसला कर लिया, अगर दूसरी साइड ही फैसला करके नहीं बैठी वो कहने हमने अगर माना है तो आप लोग कौन उसका फैसला करने वाले? उसमें हमने बहुत देर कर दी, ठीक, हमने 6-7 महीने लगा दिए, वो भी हमारा कसूर है। अपनी अपनी हिकमत अमली है, ठीक, हम अब भी ये कह रहे हैं बिल्कुल टाइम लगता है कोई इसमें आप एक जंग से मुजाकरात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो बड़ा कोई मसला जो है मेरे मुल्क के लिए नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं है जी, और इसको इस मसले को हल करने हमारी बुनियाद है। देखें देर नहीं की लेकिन तालिबान की खुदसरी ज्यादा है। आप देखिए कि जब ड्रोन का अटैक हुआ और उन्होंने मुज़ाकरात तोड़े, क्या हुकूमत ने उससे पहले उनकी ये शर्त कोई मानी हुई थी कि हम ड्रोन बंद कराएंगे फिर बातचीत होगी? ये कोई ऐसा किस्सा नहीं था। दोनों तरफ से बात यह थी कि शरायत कोई नहीं आयद की जाएगी, लेकिन तालिबान ने उसका बहाना लेके तो ये किस्सा खड़ा किया कि मुज़ाकरात खत्म। अब चीज ये है कि इंडिया मुलव्वस है, बिल्कुल मुझे पता है जो टारगेट्स यहां पे जैसे मेहरान बेस पे अटैक हुआ या जो मिनास बेस पे हुआ, वो एयरक्राफ्ट जो डिस्ट्रॉय किए गए उनका तालिबान से कोई वास्ता ही नहीं था, वो तो इंडिया के कंसर्न था। तो वो या और भी कई टारगेट्स ऐसे हैं, मैं बात अगर करूं तो लंबी होती है, कि इंडिया और अफगानिस्तान एक है और अफगानिस्तान एक है इशू में मुलव्वस है। आज कारदाई की स्टेटमेंट देखो, उनको उनको कारदाई उनसे मदद ले रहा है, एक सेकंड, लेकिन उनको अमेरिकन की बैकिंग हासिल है, लेकिन क्या वो अपने लोग भेज रहे हैं? आलाकार तो हमारे लोग, यही तो ये चीज समझने की बात है। आप उनको जाके झूठे मारे उन लोगों को जो आलाकार बने हुए हैं, और उनको दलील करें कि तुम दुश्मन के आलाकार हो, तुम अपने लोगों को मार रहे हो उनकी खातिर, उनसे पैसे वसूल कर रहे हो, या उनका वो अगर इस्लाम के खिलाफ है, वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, तो तुम उनकी मदद कर रहे हो। बिल्कुल ये सवाल बड़ा है, लेकिन साहब साहब मुझे ये बता दें कि वक्त बड़ा, ये हर दफा गुफ्तगू का जब मसला को थोड़ा सा खराब होता है तो हम उसे पाकिस्तान पे डाल देते हैं, ये गलत है। साहब साहब क्या तालिबान, क्योंकि हमें तो ये बताते हैं कुछ ग्रुप है हम उनको पकड़ सकते हैं, इस वक्त क्या हमारी स्टेट से ज्यादा मजबूत है? क्योंकि अगर उधर ड्रोन मारा गया हकीमुल्लाह महसूद पर तो उनमें इतनी ताकत नहीं, हम बात नहीं करते आपसे, मेरे 35 फौजी मार दिए और हम कुछ भी नहीं कह सकते, फिर भी आप लोगों का कसूर है, हमने देर से बातचीत की। आई एम फुली विद यू, मगर स्टेट पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं हो सकता कि स्टेट के अंदर उनकी अपनी स्टेट चलती रहे और रियासत खामोश बैठी रहे, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त अगर आ गया, खुदा ना खास्ता, उनको अपने लोगों से ज्यादा, खुदा ना खास्ता सुने तो वक्त आ गया, तो फिर स्टेट ने तो अपना काम करना है, ठीक, ये बात। लेकिन यस आई एग्री के ऑपरेशन के भी बड़े रिपरकशंस, टीटीपी के जो शूरा है अगर उसने एग्री किया है कि हमने बातचीत करनी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ठीक, तो अपने तमाम फैक्शंस को साथ लेके चले, राइट, और उनको कहे कि कोई डिसेंट नहीं होगी, हमारी स्ट्रेटेजी है उससे आप अलग होके कोई हमले नहीं करेंगे, इस प्रोसेस को सबोटाज नहीं करें। अगर ये नहीं होता तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स जो कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान के या इंडिया के हाथ में खेल रहे हैं, वो इस प्रोसेस को सबोटाज करते रहेंगे, इसको डीरेल करते रहेंगे। मेरा आखिरी पैगाम ये है, गिव दिस डायलॉग के फाइनल चांस।
ओके यस अच्छा दूसरी बात ये तो छोटे छोटे ग्रुप से ना हिम्मत देती रहे चांस ये बड़े अजीब सी बात है सबको कह रहे हैं आप भी जो ऐसे ग्रुप हैं जैसे जिन्होंने आज का ये कल का ये वाकया किया है ये अल्टीमेटली फिर ये तालिबान से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे फिर उसके बाद जो बड़े ग्रुप हैं वो पीस पे आ जाएंगे तो इनको फिर हैंडल करना और आसान होगा इनको होप सो कि ऐसा हो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो आप दोबारा जो साइंटिस्ट साहब ने बात की सेंटर फी कुजवाहा ने इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस बयान का पहला हिस्सा अगर देख लें ऐसा लगता है कि मोहम्मद एजेंसी वालों ने रद्द अमल में कार्रवाई की हो मे बी देयर इज अ चांस और ये वो चांस है जिसका सवाल साहब जिक्र कर रहे हैं कि गिव पीस अ चांस गिव दिस डायलॉग अ चांस लेकिन बहुत अफसोस उन तमाम घर वालों के साथ हम साथ साथ हैं जिन्होंने जिनके घर वाले यहाँ पर मौजूद थे जिनके साथ ये कार्रवाई हुई हमारे भाई थे हमारे लिए लड़े थे यकीनन इंतहाई अफसोस उनके लिए और साथ ही साथ हमारे लिए कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी दी सर और साथ ही साथ आज न्यूज और वक्त न्यूज के बाहर होने वाले वाकये के ऊपर भी अफसोस का इजहार करते हुए आज के लिए इजाजत चाहती हूँ अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़